बागली जिला बनाओ समिति लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए बागली को जिला बनाने की अपील कर रही है। इसी कड़ी में बागली नगर की प्रसिद्धि चौधरी और समृद्धि चौधरी नामक दो बेटियां लगातार क्षेत्र में मामा जी से जिला बनाने की मार्मिक अपील करती जा रही है। चाहे सुबह हो, दोपहर हो या शाम हो, उन्होंने पिछले 8 दिनों में 25 से 30 नुक्कड़ सभाएं की और क्षेत्रवासियों से अपील की है कि प्यारे शिवराज मामा, हमारे स्वर्गीय कैलाश जोशी दादाजी की अंतिम इच्छा पूरी कर और बागली को जिला बना दिया जाए। इन दोनों बालिकाओं ने अपनी सेविंग के लिए बचाए गए गुल्लक के पैसे भी बागली विधायक पहार सिंह कन्नौजिया को बागली जिला बनाओ समिति के द्वारा दान किए गए। इन बेटियों की इस प्रकार मार्मिक अपील को देख कर हर कोई अभिभूत है। बागली से संवाददाता की रिपोर्ट। जिला बनाने से क्या फायदा है क्षेत्र को, क्या है प्रॉब्लम? बागली को जिला बनाने से बहुत फायदा है, पिछड़ा इलाका है, वो जिला बनने से किसानों को बहुत फायदा होगा। जिला बनने से कृषि मंडी में भी यहाँ पर मतलब बढ़ोतरी होगी और किसान को आने जाने के लिए, पूरा क्षेत्र के विकास के लिए, उद्योग धंधे के लिए जिला बनना बहुत जरूरी है। हमारी पूरी पुरजोर मांग है कि इस पर जल्दी जल्दी जिला बनने की घोषणा की जाए। गाँव को लेकर दो बालिकाओं द्वारा लगातार नुक्कड़ सभाएं की जा रही, तो क्या वास्तव में बड़ा उनकी अविश्वसनीय और बहुत मार्मिक अपील है उन दो छोटी छोटी बच्चियों की, समृद्धि चौधरी और प्रसिद्धि चौधरी, एडवोकेट साहब जो प्रवीण जी चौधरी की जो है पोतियाँ हैं, और वो पूरे क्षेत्र में, पूरे अंचल में, गांव-गांव जाकर जो है अपने नुक्कड़ के माध्यम से ऐसी मार्मिक अपील कर रही है। कैलाश जी जोशी को जो है श्रद्धेय वो दादाजी कहकर जो है संबोधित करती हुई बोलती है कि दादाजी अब तो जो है जिला बना दो, और हम सब लोगों की भी उन बच्चियों को देखकर निश्चित रूप से हम लोग भी ऐसी मार्मिक अपील जो है शासन प्रशासन से करना चाहते हैं कि जो है शिवराज सरकार अगर इसको जिला बनाती है क्षेत्र को, जो अत्यंत पिछड़ी हुई दशा में है, तो वास्तव में ये श्रद्धेय कैलाश जी जोशी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। यदि अगर जिला बनता है तो उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि शासन द्वारा। इतनी कम उम्र में इस प्रकार से वो जो नुक्कड़ सभाएं कर रही है, तो क्या प्रेरणा लेना चाहिए जनता को? बिल्कुल निश्चित रूप से उन बच्चियों के प्रति, जो क्षेत्र के विकास के प्रति उन बच्चियों में जो संस्कार है परिवार के, उससे कहीं ना कहीं हमको ये लगता है कि क्षेत्र के प्रति हम सभी लोगों में ऐसी भावनाएं जागृत होनी चाहिए कि हमारा क्षेत्र हमारे लिए सर्वोपरि है। ये भावनाएं हमें उनसे मिलती है, प्रेरणा मिलती है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।